फिजिक्स से डरते हो और फिजिक्स में सबसे कम मार्क्स आते होंगे और फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं लगते होंगे, चाहे कितनी मेहनत करो। अगर ऐसा है ना तो इस वीडियो में कुछ ऐसे बताने वाला हूं आपको, उसके बाद आपका फिजिक्स को लेकर पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज हो जाएगा, देख लेना। और जो फिजिक्स आपका सबसे ज्यादा टाइम लेती है ना, तो एग्जाम में वही फिजिक्स आपको सबसे कम टाइम लेगी और सबसे ज्यादा मार्क्स दिला सकती है, क्योंकि आप जानते हो कि नीट का फिजिक्स कैसा आता है, आपने दिया है ना। एक मेथड मैं फॉलो करता था अपने फिजिक्स के लिए, जो कि फिजिक्स में मेरे को ऊपर लेकर आई, स्कोर बढ़िया गया, वो ये चीज़ थी कि मैं डेली के लिए एक टारगेट बना चुका। वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, मेरा नाम जुबैल आलम है और मैं इसी 685 स्कोर कर रहा हूँ और 1210 मेरी रैंक है। आप में से कई लोग मेरे को जानते होंगे, क्योंकि मैं सेलिब्रेशन में गया था फिजिक्स वाला पांडे सर के साथ, उनके इवेंट में था, उनके यहाँ पे हीरो गिफ्ट्स भी मिले थे, तो आप में से कई लोग जानते भी होंगे, आपने देखा भी होगा। और आपके आजकल प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं, थोड़े दिनों पहले तो कोई भी कमेंट्स नहीं आते थे, और आजकल आप प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे, तो मैंने उनका रिप्लाई भी करा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और टाइम नहीं लेते हैं। तो फिजिक्स मेरी पूरी तरह से बर्बाद थी, क्यों? क्योंकि मेरी 11th भी पूरी तरह से बर्बाद थी, और जब मैं 12th में आया तो 12th में जो मेरे मिनिमम मार्क्स थे ना, वो सिर्फ फिजिक्स में थे, ऐसा था। और जब मैंने नीट की तैयारी स्टार्ट करी ना, तो मैंने 12th के बाद ही स्टार्ट कर लिया था मेरा, छोड़ो कहानी बात सुनाएंगे। 12th के बाद जब मैंने नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तो मेरे इनिशियली जो मॉक टेस्ट में मैक्सिमम मार्क्स बनते थे, सोचो कितने बनेंगे, मैक्सिमम मेरे फिजिक्स में 30-35 बनते थे। ऐसी कंडीशन थी जो कि आपकी भी नहीं होगी, कहीं होगी, कहीं होगी इससे ज़्यादा कंडीशन अच्छी हो सकती है। मेरी कंडीशन ऐसी थी, 30-35 मार्क्स मेरे मैक्सिमम बनते थे, और पूरे मॉक टेस्ट में मेरे 200-250 के मार्क्स ये मैक्सिमम होते थे मेरे, ऐसा था। तो यहाँ से मेरा सफर, आज मैं 170 स्कोर कर रहा हूँ फिजिक्स में, कोई 175 होता उसकी भी कहानी बता चुका हूँ अपने चैनल पर, खैर छोड़ो। 170 मार्क्स मेरे स्कोर कर रहा हूँ 30-35 मार्क्स से। तो कैसे हुआ ये सब, क्या हुआ, सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स बताऊंगा, 4-5 पॉइंट्स बताऊंगा, 3 पॉइंट्स बताऊंगा गिनती के, उसमें ही सिर्फ वही आपको फॉलो करना है। और फॉलो करना है, देखो भाई ऐसा है, मैं बता दूंगा, लेकिन अगर आपने फॉलो नहीं किया तो कोई फायदा नहीं होने वाला। ये वीडियो जो आप देख रहे हो, चाहे 5 मिनट की हो, 4 मिनट की हो, कोई फायदा नहीं होगा ना, ये तो सोचो कि अगर आपने फॉलो नहीं किया तो देखा ही, तो इसलिए जो मैं बताऊंगा वो चीज़ फॉलो कर लेना। ओके भाई, ऐसी वीडियोस देखने से, उनको लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं होने वाला है, आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। फायदा तभी होगा जब आप इसको फॉलो करोगे। ऐसी बढ़िया बढ़िया गाइडेंस बहुत सारे चैनल देते हैं, बहुत सारे चैनल ऐसी गाइडेंस देते हैं, लेकिन क्या होता है, गलती पता है, गलती यही होती है, आप फॉलो नहीं करते। आप सबकी वीडियोस देखोगे लेकिन फॉलो नहीं करोगे, और यही गलती आपको सिलेक्शन पे दूर लेके जाती है। और अगर यहाँ तक पहुँचना है, या मेरे से भी आगे पहुँचना है ना, तो फॉलो कर लेना, जो भी चीज़ सही चीज़ आपको मिलती है। जैसे इसमें मैं बहुत सही चीज़ें बताने वाला हूँ, 3 पॉइंट्स बताऊंगा, सिर्फ उन्हीं को फॉलो करना है, और आपकी फिजिक्स देख लेना कैसे चेंज हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ, गारंटी बता रहा हूँ। चाहे तो आप वीडियो को 2x पे देख लेना, क्योंकि योर टाइम इज इंपॉर्टेंट भाई, ये देख लो, क्योंकि सिलेक्शन तो लेना है। अब देखो ऐसा है कि फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपको लेक्चर लेना है, अगर आपकी फिजिक्स की कंडीशन ऐसी है, या थोड़ी बहुत भी सही है लेकिन उतनी ज़्यादा सही नहीं है कि मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो अगर आपका ऐसा है तो लेक्चर तो लेना ही है, क्योंकि लेक्चर आपको आया ही नहीं है, आपको कंसेप्ट अभी आया ही नहीं है, इसीलिए आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो जहाँ कंसेप्ट नहीं आ रहा है, या तो उन वीक एरियाज के लेक्चर आप ले लेना, जरूरी है, जो कि, या फिर सारी फिजिक्स आपको लेक्चर से करनी है। कोई भी आप जो टीचर को फॉलो करो, आप जानते ही हो बहुत सारे टीचर हैं, मैं तो फिजिक्स वाला रिकमेंड करूँगा, कोई मैं तो वहीं से पढ़ा, खैर आपकी मर्जी, आप जहाँ से पढ़ना चाहो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। और स्टार्ट भी कर दिया होगा आपने, तो आपको लेक्चर लेने हैं, लेक्चर के नोट्स भी बनाने हैं, और कंसेप्ट आपको सारे सीखने हैं सबसे पहले, तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, मैंडेटरी है। ये नहीं आया तो फिर क्वेश्चन तो होंगे ही, तो थ्योरी तो आना जरूरी है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। और ये देखो, मैं ये सारी चीज़ों में वो चीज़ बताऊंगा, जो चीज़ मैंने गलतियाँ करी उनको हटाकर बाकी जो बचा है, जो मेरे बेस्ट रही हैं, उन चीज़ों को आपको बता रहा हूँ। तो सेकंड पॉइंट ये है कि सेकंड पॉइंट आपको ये है कि जो नोट्स आपने बनाए ना, आपको लेक्चर लेते वक्त आपको नोट्स भी बनाने हैं, क्योंकि अभी टाइम रहे तो आपके सेल्फ नोट्स होने चाहिए, क्योंकि आप क्लास नोट्स से पढ़ो ये उतना ज़्यादा सही नहीं होता, मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा अपने खुद के नोट्स बनाए और वो मेरे को पावरफुल बनाते थे, जब मैं लास्ट टाइम उनको रिवाइज करता था तो वो मेरे को रिकॉल होते थे। तो ऐसा सबके साथ होता है, जो सेल्फ नोट्स से पढ़ता है, बाकी आपकी मर्जी, तो आप सेल्फ नोट्स बनाओ, मैं तो यही कहूँगा। और नोट्स को डेली के डेली आपको रिवाइज करना है, जो आपको क्लास में पढ़ाया, जितना पढ़ाया उतना कम से कम आपको नोट्स से रिवाइज करना है, ये सेकंड पॉइंट है। ये 2 पॉइंट बता चुका हूँ। तीसरा पॉइंट ये है, जो सबसे ज़रूरी पॉइंट है, क्वेश्चन करना। क्वेश्चन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों बोल रहा हूँ, थ्योरी आपने कर ली, नोट्स आपको पढ़ तो लिए याद हो गया, लेकिन वो वाली मेमोरी उतनी ज़्यादा नहीं रहती, क्योंकि आपने अप्लाई ही नहीं किया फिजिक्स को। और फिजिक्स को अप्लाई तब करोगे जब आप क्वेश्चन करोगे, तो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ज़रूरी फिजिक्स के लिए हो जाता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जरूरी होता है फिजिक्स के लिए। तो ये थर्ड पॉइंट है कि आपको फिजिक्स के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस, वैसे तो ठीक है हम क्वेश्चन करते हैं तो फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं, यही होता होगा आपका, क्वेश्चन तो आप करते हो लेकिन आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, फिर भी ऐसा होता होगा, मेरे साथ भी होता था स्टार्टिंग में, लेकिन मेरे को एक ऐसा मेथड पता चला, वो भी मेरे टीचर ने बताया था, और वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, अगर आपको नहीं पहुंचा तो ये बता दूँ। एक मेथड मैं फॉलो करता था अपने फिजिक्स के लिए, जो कि फिजिक्स में मेरे को ऊपर लेकर आई, स्कोर बढ़िया गया, वो ये चीज़ थी कि मैं डेली के डेली एक टारगेट बना चुका था कि मेरे को फिजिक्स के इतने क्वेश्चन करने ही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, उस डेट पे हर रोज के डेली का मेरा टारगेट होता था, कुछ भी हो जाए, मैंने थ्योरी पढ़ ली, क्वेश्चन वो लेक्चर देख लिया, उसके बाद मेरे को इतने क्वेश्चन करने हैं, तो मेरी मिनिमम टारगेट होता था, जैसे कि मैं 25 क्वेश्चन रख लिया, स्टार्टिंग में कम रखता था, क्योंकि उसमें स्टार्टिंग में होती हिम्मत नहीं होती कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे आपके क्वेश्चन होंगे, आपके अपने आप स्पीड भी बढ़ेगी, और साथ में टारगेट अपने आप इंक्रीज करने का मन करेगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन उतने वैसे ही हो जाएंगे। तो मेरा स्टार्टिंग में टारगेट होता था 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन करने हैं डेली के, फिर मैं उसको डेली बढ़ाता था, जैसे कि 25 क्वेश्चन किए तो अगले दिन मेरे को 25 नहीं 30 करने हैं, ऐसे या डेली बेसिस पर ना बढ़ाकर आप वीकली बढ़ा सकते हो, अगर आपकी फिजिक्स उतनी सही नहीं हो पा रही है तो 25 से आप अगले वीक कर सकते हो, मान लो कि 25 से 50 तक पहुँच गए, या फिर 40-45 तक पहुँच गए, ऐसे ऐसे करके आप अपने रिक्वायरमेंट डेली टारगेट को बढ़ाते रहो। ऐसे आपको, मेरा तो ऐसे हो रहा था कि मैं 120 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन डेली फिजिक्स के लगा रहा था लास्ट के टाइम पे, ऐसा हो रहा था, और ये मेरा नॉर्मल था, ये हो जाता था।
और आपका भी हो जाएगा, बस इतनी उस चीज को फॉलो कर ले। 3 पॉइंट बता दी मैंने, फिजिक्स का ये वाला मेथड बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरे को पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। शुरुआत में डिफिकल्टी होगी गाइस, ऐसा है कि डिफिकल्टी तो शुरुआत में होगी और स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा ना, करना ही पड़ेगा आपको। सिलेक्शन लेना है तो मुश्किलें तो करनी पड़ेगी, यही तो फाइट है, इसी से लड़ना है। यही तो मुश्किल लग रहा है ना आपको कि 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन डेली करना, या आपको उस टाइम लगेगा मुश्किल, लेकिन धीरे धीरे आपकी स्पीड कितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी ना गाइस, सही बता रहा हूँ मैं। 2 से 3 मिनट जिस क्वेश्चन में आपके लगते हैं उसमें सिर्फ 10 सेकंड या 20 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा लग पाएंगे, देख लेना। आपकी फिजिक्स इतनी फास्ट हो जाएगी, मतलब जो एग्जाम में जो फिजिक्स ही खराब कर देती है नीट के स्टूडेंट का, मैं बताऊँ क्योंकि एक थोड़ा सा मेरे को टैबू लगता है, क्योंकि जब आप फिजिक्स को कर लोगे ना उसके बाद आपको भी लगेगा कि हाँ इतना भी कुछ नहीं, क्योंकि नीट की फिजिक्स उतनी हार्ड भी नहीं आती है और साथ में जल्दी जल्दी भी हो जाता है। आपकी फिजिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपने बना ली है, जिस 3 मेथड को फॉलो कर लो गाइस गारंटी दे रहा हूँ आपके क्वेश्चन अच्छे से निकल जाएंगे, मार्क्स भी फिजिक्स में अच्छे आएंगे और भी कम टाइम में भी फिजिक्स आपका होगा, गारंटी दे रहा हूँ मैं तो अपने बेसिस पर, गारंटी दे रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस में। मेरे पास जो मैंने फेस पे आपकी टेस्ट और एनसीईआरटी से भी काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाने वाली है। और हाँ एक और चीज, जैसे कि मैं जैसे टारगेट जो बनाता था 50 क्वेश्चन के, तो उसमें ये भी रखता था कि स्टार्टिंग में तो नहीं लेकिन जब कुछ चैप्टर्स पार होने लगे तो मैं ये भी रखता था कि पुराने वाले जो चैप्टर्स हैं उनका कैसे रिवीजन हो, तो उनके लिए 20 क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चन है उसमें 20 क्वेश्चन रख लिया, ऐसे कर लिया 20 क्वेश्चन किस पुराने वाले चैप्टर्स के तो मेरे कंप्लीट हुए, तो इससे वाले भी रिवीजन हो जाते थे, तो वो भी सही रहता है। टेस्ट में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है एक दिन के पहले, और टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे, यही होता था। और आप ही अगर करे हुए भाई, सच बता रहा हूँ मैं, तो सच बता रहा हूँ हो जाएगा, फिजिक्स उतनी हार्ड नहीं है और ना ही आपको लगने वाली अगर आप नहीं पढ़ोगे, सच बता रहा हूँ। मेरा ऐसा था कि जब मैंने एग्जाम दे रहा था ना, तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता था, टेस्ट हो चाहे एग्जाम हो, कोई भी क्वेश्चन आता था, आधा पढ़ने से पहले मेरे को याद आया था कि मतलब कैसा क्वेश्चन आने वाला है, क्या पूछने वाला है, उसके सारी चीज़ें आ जाती थी। ब्रेन इससे क्या होता है, पहले प्रोसेसिंग करने लग जाता है, और जब ब्रेन पहले प्रोसेस करेगा तो साफ सीधी बात है ना कि कम टाइम में क्वेश्चन हो जाएगा, यही होता है सबके साथ होता है। प्रैक्टिस करने की बात है, प्रैक्टिस क्वेश्चन करो। और एक बात बोलना चाहूँगा इस, यहाँ पे हेल्प करने के लिए आपको सब बैठे हैं, मतलब यूट्यूब पे हेल्प भी कर रहे हैं सारे, और बहुत सारे डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं, बच्चे खुद हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि बच्चे वीडियोस तो देखते हैं, बहुत सारी देखते हैं, सबकी वीडियोस देखते हैं, सबकी गाइडेंस देते हैं, लेकिन फॉलो किसी को नहीं करते, ये बात सबसे खराब रहती है और वही आपके मार्क्स को बाती है। किसी को भी फॉलो कर लो, किसी को भी कर लो जो बढ़िया लगे आपको, जिससे गाइडेंस सही मिल रही है, मेरे को मैं नहीं बोल रहा, किसी को भी फॉलो कर लो, लेकिन फॉलो कर लो भाई, वीडियो देखने से सही सिर्फ कुछ नहीं होने वाला है, मैं तो यही कहूँगा फॉलो कर लो, फॉलो करोगे तो हो जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, चलता हूँ, ऐसे नेक्स्ट वीडियो लाता रहूँगा, जो जरूरी होगा वही लाऊंगा, और आपको अगर करना हो फॉलो तो आप कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी, अगर आप किसी और से फॉलो कर रहे हो तो मैं